हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो नागों की पूजा करने की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। बहुत सी जगहों पर तो नाग को देवता मानकर उनकी पूजा करने का विधान है। श्रावण मास में आने वाला नाग पंचमी का पर्व नागों की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है और भगवान शिव नाग को अपने गले में धारण किए हैं, जिस कारण सावन माह की नाग पंचमी बहुत ही खास है। माना जाता है कि सावन मास की नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ व्यक्ति की मनोकामना भी पूरी होती है। आज हम जानेंगे साल 2020 के नाग पंचमी पर्व की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन भगवान शिव और नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नाग पंचमी का शुभ योग। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि को नाग देवता की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं और इस बार नाग पंचमी के दिन मंगल वृश्चिक लग्न में होंगे और इसी दिन कलिक जयंती और स्कंद षष्ठी भी है। साथ ही नागपंचमी के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत का पारण भी किया जाएगा, जिस कारण नागपंचमी का जो त्यौहार है बहुत ही शुभ होगा। अब जानते हैं नागपंचमी का शुभ मुहूर्त। साल 2020 में नागपंचमी का जो त्यौहार है वो 25 जुलाई शनिवार के दिन मनाया जाएगा। नागपंचमी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो प्रातःकाल 5:39 से प्रातःकाल 8:22 तक है और पूजा की कुल अवधि होगी 2 घंटे 44 मिनट की और पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई शाम के 2:34 पर और पंचमी तिथि समाप्त होगी 25 जुलाई 12:02 पर। तो ये था नागपंचमी का शुभ मुहूर्त। अब जानते हैं नागपंचमी की पूजा विधि। दोस्तों, इस बार 25 जुलाई को नागपंचमी है, इसीलिए इस दिन प्रातः स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा के लिए नाग देवता का चित्र या प्रतिमा पूजा स्थल में एक चौकी पर स्थापित करें और सबसे पहले कच्चा दूध, घी, ये चीनी और ये सब चीज़ें मिलाकर मतलब उनका अभिषेक करें। इसके बाद हल्दी, रोली, चावल और फल फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा के बाद सर्प देवता की आरती भी करें। नागपंचमी व्रत कथा अवश्य सुनें या पढ़ें और जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वो पंचमी तिथि को पूरा दिन उपवास करके शाम को व्रत खोलें। अब जानते हैं नाग पंचमी पर किए जाने वाले कुछ खास और अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन धन समृद्धि पाने के लिए नाग देवताओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नाग देवता धन की देवी माँ लक्ष्मी की रक्षा करते हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, नाग देवता ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की रक्षा करते हैं और इस दिन कुछ विशेष उपाय अगर कर लिए जाएं तो व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, महालक्ष्मी की कृपा होती है। तो आइए जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले वो उपाय कौन से हैं। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग स्वरूप की आराधना करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दोष को बदलने के लिए, इस दोष से बचने के लिए
उसे नागपंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आज के दिन इसे शुभ दिन नागों के दर्शन जरूर करने चाहिए। आज के दिन नाग देवता को कच्चे दूध से अभिषेक करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ साथ यदि आप इस दिन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नागपंचमी के दिन भूमि ना खोदें, और जो व्यक्ति नागपंचमी के दिन उपवास करता है, व्रत रखता है, उसे विशेषकर शाम के समय भूमि की खुदाई नहीं करनी चाहिए। नागपंचमी के दिन धरती पर हल चलाना वर्जित होता है, तो इस गलती से बचिएगा। इस दिन सुई धागे से किसी भी तरह की सिलाई आदि कार्य भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, और इस जानकारी को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई सुझाव है या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय नाग देवता की। जय माता दी।